है क्राइम हिलोरे न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं चावला के मशहूर अमृतसरी चुरचुरनान, चौक मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। और पहाड़गंज की मशहूर एवं पुरानी दुकान, शुद्धता की पहचान, कश्मीर स्वीट शॉप, चौक मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। और निशान मिग नाइट, निशान केफ, शान की सवारी, आज ही बुक करें और मंजिल आसान करें। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान किसानों का मुखौटा पहने दंगाइयों ने नांगलोई में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ियों समेत कई निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में कई पुलिसकर्मियों और मीडिया कर्मियों को भी गंभीर चोट आई। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में एक शख्स नांगलोई में तैनात पुलिसकर्मी का वायरलेस सेट छीन कर ले गया, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अजय राठी बताया जा रहा है। इसके खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उसे तय रूट के अलावा रिंग रोड और वहां से लाल किले की ओर कूच करने का आदेश दिया गया था, जिसके चलते आरोपी ने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और ट्रैक्टर से टक्कर मारकर बैरिगेट्स तोड़ते हुए रिंग रोड की ओर कूच की। 26 जनवरी को जो नांगलोई थाने में राइटर्स के फॉर्मर्स ने जो राइटिंग किया था, उस केस में एक हमारा कांस्टेबल सोनू है, उनसे वायरलेस सेट छीना गया था। थ्रू टेक्निकल सर्वेलेंस एंड इंफॉर्मेशन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड एंड उस अक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया। ये अजय राठी है, ये हरियाणा का रहने वाला है, फार्मर भी प्रोफेशनल है और इनके ऊपर 3 मुकदमा भी है। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन अजय राठी ने ये बोला है कि हमको पहले ही जो दिए हुए रूट है उस रूट को फॉलो नहीं करने के लिए आदेश मिला हुआ था और कैसे भी रिंग रोड पहुँच के वहाँ से रेड फोर्ट पहुँचने के लिए इनको आदेश मिला हुआ था। उस आदेश को चलते हुए इन्होंने वहाँ पे राइटिंग करवाया नांगलोई चौक में और ट्रैक्टर से मार मार के वज्रा गाड़ी का थोड़ा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे वर एबल टू सक्सेसफुली कांस्टेबल सोनू से वायरलेस सेट को इन्होंने छीना था। मणि आर्या, क्राइम हिलोरे न्यूज, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।